Dear students, welcome to the another class of Indian Easement Act. हम लोगों ने acquisition वाली जो series है कि एक easement को किस तरीके से acquire किया जाता है, कितने modes होते हैं easement को acquire करने के, वो series हमने previous lecture में complete कर ली है. आज जो हम topic लेने वाले हैं वो Indian Easement Act में, वो है आपका disturbance of easement. तो डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट जो है वो आपका दिया है सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 36 तक. ईजमेंट क्या होता है कि जिसमें डोमिनेंट ओनर का एक राइट होता है सर्वियंट हेरिटेज के ऊपर, कि जहाँ से वो राइट ऑफ वे ले सकता है, राइट ऑफ एयर ले सकता है, राइट ऑफ सनलाइट ले सकता है. तो ये उसका एक ईजमेंटरी राइट होता है सर्वियंट हेरिटेज के ऊपर. तो जो डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट है वो ये कहता है कि जितने भी ईजमेंट्री राइट एक डोमिनेंट ओनर इन्जॉय कर रहा है सर्वियंट हेरिटेज के ऊपर, उस पर उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा. उसको इन्जॉय करने से उस डोमिनेंट ओनर को या उस ऑक्यूपायर को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा. ठीक है, तो सेक्शन 32 जो है इसका वो यही कहता है कि जो भी ओनर होगा या जो ऑक्यूपायर होगा डोमिनेंट हेरिटेज का, वो एंटाइटल्ड है ईजमेंट को एंजॉय करने के लिए, और वो एंजॉयमेंट बिना किसी डिस्टरबेंस के होगा. उसको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेगा, ना तो सर्वियंट ओनर ना ही कोई थर्ड पार्टी. तो पीसफुल एंजॉयमेंट वो लेता रहेगा, पीसफुली उसको एंजॉय करता रहेगा विदाउट एनी डिस्टरबेंस. तो सेक्शन 32 आपका इतना ही कहता है. तो इसमें एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि सपोज ए का जो घर है उसके घर के लिए जो रास्ता है वो बी की लैंड से होते हुए गुजरता है. अचानक एक दिन सी आके बी की लैंड पे कब्जा कर लेता है और ए का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. तो अब यहाँ पर देखिए, ए जो व्यक्ति है जो कि डोमिनेंट ओनर है, वो क्या कर सकता है, सी के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है. ठीक है, लेकिन जो उसका अनलॉफुल एंट्रेंस है बी के प्लॉट पे, उसके अगेंस्ट में ए कोई भी एक्शन नहीं ले सकता. तो यहाँ पर जो ए का राइट बनता है वो है कंपनसेशन क्लेम करने का या फिर इंजंक्शन लेने का. ठीक है, तो इसमें क्लियर है कि जो डोमिनेंट ओनर है वो एंजॉय करेगा ईजमेंट को, या जो ऑक्यूपायर है वो ईजमेंट को एंजॉय करेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 33 की. तो देखिए, सेक्शन 33 में ये बता रहे हैं कि अगर कोई डोमिनेंट ओनर को या ऑक्यूपायर को उनका ईजमेंट्री राइट एंजॉय करने से डिस्टर्ब करता है, तो उस केस में जो डोमिनेंट ओनर है या जो ऑक्यूपायर है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में जो कि डिस्टर्बेंस कर रहा है उनके अगेंस्ट में कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है कंपनसेशन के लिए. ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज़ उसको प्रूव करनी है कि ये जो डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से एक सब्सटेंशियल डैमेज कॉज हो रहा है. सब्सटेंशियल डैमेज को इन्होंने एक्सप्लेनेशंस में डिटेल किया हुआ है. सब्सटेंशियल डैमेज क्या होता है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, तो मैंने बताया कि एक ओनर ऑक्यूपायर को अगर डिस्टर्बेंस हो रही है उनके ईजमेंट को इंजॉय करने में, उस केस में वो कोर्ट में जा सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं. लेकिन उनको ये प्रूव करना है कि उस डिस्टर्बेंस के कारण उनका जो है सब्सटेंशियल डैमेज हुआ है. तो सब्सटेंशियल डैमेज को यहाँ पर ध्यान में रखना है. तो सब्सटेंशियल डैमेज क्या है, ऐसा एक्ट जो कि ईजमेंट के एविडेंस के एग्जिस्टेंस को ही इफेक्ट करता हो. जैसे कि सपोज एक वाटर टैंक था, वहाँ से जो है ए हमेशा पानी लेके जाता था अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए, अपने कैटल्स को फीड करने के लिए. अचानक एक दिन कोई बी पर्सन आके उस वाटर टैंक को
बंद कर देता है या फिर उस वाटर टैंक को से ढक देता है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि ये ए को एक सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है। तो यहाँ पर ए को सब्सटैंशियल डैमेज प्रूव करना है कि उस वाटर टैंक के बंद होने की वजह से वो जो है अपने हाउस होल्ड वर्क पूरे नहीं कर पा रहा है या वो अपनी कैटल को फीड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर सब्सटैंशियल डैमेज को प्रूव करना ज़रूरी है। इसके बाद सब्सटैंशियल डैमेज को हम इस तरीके से भी देखते हैं कि अगर डोमिनेंट हेरिटेज की वैल्यू को डिमिनिश कर दिया जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ए व्यक्ति था, उसका अचानक से सी ने जो है रास्ता रोक दिया, उसके घर को आने के लिए जो रास्ता था वो बी के लैंड से होते हुए गुजरता था। सी आया, सी ने जो है बी के प्लॉट में अनलॉफुल एंट्री करी और ए का रास्ता रोक दिया। तो यहाँ पर ए जो है वो अपने घर का जो अपने जो घर का इंजॉयमेंट है वो नहीं कर पा रहा है, यानी उसकी जो घर की वैल्यू है वो डिमिनिश हो चुकी है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सब्सटैंशियल डैमेज। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि अगर कोई तो सनलाइट और एयर दोनों के जो आने का रास्ता उसको इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, हिंड्रेंस पैदा कर देता है, जिससे कि जो डोमिनेंट ओनर है उसके कंफर्ट पे इफेक्ट पड़े, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर सब्सटैंशियल डैमेज बोला गया है। तो प्रूफ ये करना है डोमिनेंट ओनर को या ऑक्यूपायर को कोर्ट में कि उसको जो हुआ है वो है सब्सटैंशियल डैमेज। इसके बाद जो सेक्शन है वो है सेक्शन 34, जो कहता है कि देखिए अगर सर्वियंट ओनर के द्वारा सपोर्ट यानी उस ऐसे सपोर्ट को जिस पर कि डोमिनेंट हेरिटेज टिकी हुई थी, ठीक है, तो उस सपोर्ट को अगर सर्वियंट ओनर के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है या गिरा दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो डोमिनेंट ओनर है वो सब्सटैंशियल डैमेज प्रूफ करेगा और कोर्ट में कॉम्पेंसेशन को क्लेम करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ दो स्टोरीज हैं, डबल स्टोरी हाउस है, ऊपर ए रहता है नीचे बी रहता है। बी जो है अगर ये जो बीच की वॉल है इसको अगर वो रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ए का जो फ्लैट है वो उस पर सब्सटैंशियल डैमेज होने की पूरी चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या कर सकता है, कोर्ट में जाकर ये प्रूफ कर सकता है कि बी के उस वॉल को रिमूव करने की वजह से उसके फ्लैट को सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है, इसलिए उसको कंपनसेशन दिया जाए। तो अगेन यहाँ पर सेक्शन 34 में भी ये बताया गया है कि अगर सर्वियंट ओनर के द्वारा किसी सपोर्ट को रिमूव किया जाता है जिस पर कि डोमिनेंट हेरिटेज टिकी हुई थी, तो उस केस में भी जो डोमिनेंट ओनर है वो कोर्ट में जाकर कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। बस प्रूव ये करना है कि उसको सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है। इसके बाद जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 में इंजंक्शन की बात कही गई है कि जो भी क्लेमेंट है, जो डोमिनेंट ओनर है या जो ऑक्यूपायर है, उसे अगर ये लगता है कि उसका ईजमेंट डिस्टर्ब हुआ है या उसको थ्रेट मिला है या जो सर्वियंट ओनर है या कोई थर्ड पार्टी है उसका इंटेंशन ये है कि इसके ईजमेंट को डिस्टर्ब किया जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति, ऐसा क्लेमेंट कोर्ट में जाके इंजंक्शन ला सकता है। इंजंक्शन आप सभी जानते हैं कि एक डायरेक्शन होती है कोर्ट के द्वारा कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में ये इशू किए जाते हैं कि उसको कोई चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। दीज आर द डायरेक्शंस इशूड बाय कोर्ट टू स्टॉप डूइंग एन एक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इंजंक्शंस के लिए भी कॉम्पनसेशन तो है ही है, साथ में इंजंक्शन के लिए भी डोमिनेंट ओनर या ऑक्यूपायर सेक्शन 35 में यहाँ क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 36, जो कि बात करता है कि डोमिनेंट ओनर को खुद कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि डिस्टरबेंस का अबेटमेंट हो, मतलब कि अगर उसको लगता है कि उसके ईजमेंट पर डिस्टरबेंस हो रही है तो वो जाके उसको खुद ही रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसे अगर लगता है कि सपोज़ वो जो एग्जांपल हमने लिया था कि ऊपर वाली स्टोरी में ए रहता है और बी नीचे वाली स्टोरी में रहता है,
ए जाके खुद ही बी को डराए धमकाए या खुद ही उसको रोके। तो इस तरीके का कोई भी एक्ट डोमिनेंट ओनर को या ऑक्यूपायर को खुद से नहीं करना है, ठीक है। उनको केवल और केवल कोर्ट अप्रोच करना है, कोर्ट के थ्रू कॉम्पनसेशन लेना है, कोर्ट के थ्रू ही इंजंक्शन लेना है। तो ये इतना सही आपका डिस्टरबेंस ऑफ ईजमेंट में था। इसके बाद का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है आपका एक्सटिंक्शन, सस्पेंशन एंड रिवाइवल ऑफ ईजमेंट। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट द स्टूडेंट लाइक यू मे गेट बेनिफिट फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।